करने वाले हैं हमारे क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यस, वी आर डीलिंग विद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे दिल की बात होती है, तो दिल की बात में हमें ब्लड बहुत जरूरी होता है। किसी को भी, किसी ने भी कुछ लेटर लिख कर देना होता है, जब कहते हैं कि हाँ हम सच में तुझे दिल से प्यार करते हैं, तो हम क्या क्या सुनते हैं, उसने उसके लिए ब्लड से लेटर लिख दिया या फिर रेड स्केच से लिख दिया और जाके बोल दिया कि ब्लड से लिखा है। तो इस सब ब्लड है क्या, एक्चुअल में ब्लड आपकी क्या क्या हेल्प करने वाला है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है, वो लाल कलर प्यार का बोलते हैं, वो क्यों है, सब रीजंस हमारे पास किस में आएंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखा था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता था सामान को इधर से उधर लेके जाना। प्लांट्स के अंदर हमने देखा था जाइलम टिश्यू करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन करता है। तो सबसे पहले बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, पर बेसिकली जो ऑर्गन सबसे ज्यादा काम करता है वो होता है ब्लड। ब्लड ठीक है, क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू था, वैसे हमारा ब्लड भी एक टिश्यू होता है, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे पास एक टिश्यू होता है, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। लाइक हमने नाइन्थ में टिश्यूज पढ़ा था, कह दो नाइन्थ तो पढ़ी है कोई ना, भूल गए, बट टिश्यू हमारे पास होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स को जब हम ग्रुप बना देते हैं तो उनको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के फर्दर पार्ट्स होते हैं, और फर्दर पार्ट्स में हमारे पास एक टिश्यू का नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू का भी सब पार्ट होता है, दैट इज ब्लड। पार्ट पे पार्ट, सब पार्ट पे सब पार्ट, यही कहानी हमारे पास होती रहती है ना। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आ गया, ब्लड क्या है, खुद से ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर बात आती है सबसे पहली बात, भाई लाल ही कलर क्यों, पीला कलर का क्यों नहीं। मैं कहूंगी मेरा ब्लड तो पिंक कलर का होना चाहिए, मुझे पिंक फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है। ठीक है, तो जिसको जिस भी तरह का ब्लड चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। अब क्या आया हमारे पास, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, साथ ही साथ ब्लड हमारे पास रेड कलर का होता है। ठीक है, सबका भाई, कोई हिंदू है, कोई पाकिस्तानी है, कोई कहीं से चाइना है, कोई अमेरिका वाला है, कुछ किसी भी बंदे का देख लो, सबका ब्लड क्या होगा, रेड कलर का होगा। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि ब्लड जो है वो रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से सारा का सारा ब्लड, सबका ब्लड क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप कहोगे टिश्यू का पहले ग्रुप बनाए कनेक्टिव टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू के ग्रुप बनाए ब्लड, अब ब्लड के भी ग्रुप बना दोगे, सही बात। ब्लड के अंदर भी पार्ट्स हो जाते हैं, ब्लड के चार पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है प्लाज्मा, फर्स्ट पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास आरबीसी, आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल, आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल। थर्ड आता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। फोर्थ आता है अब हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और फोर्थ मेरे पास क्या होता है, प्लेटलेट्स। फोर्थ क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, चार कंपोनेंट हो गए ब्लड के, पहले का नाम आया प्लाज्मा, दूसरे का नाम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में प्लाज्मा क्या है हमारे पास, फिर हमारा आरबीसी मतलब हमारा रेड ब्लड सेल क्या है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या है, और व्हाइट ब्लड सेल अगर नाम व्हाइट भी है तो फिर सिर्फ रेड कलर ही क्यों आया, व्हाइट क्यों नहीं आया, है ना भाई, क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में। तो पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, और ब्लड के अंदर ऑलमोस्ट यही पार्ट सबसे ज्यादा है ना। ब्लड को लिक्विड बनाना
जो ब्लड गिरता है वो इसी वजह से गिरता है क्योंकि वो लिक्विड है, सॉलिड होता तो क्या यहीं पे पड़ा रह जाता है ना। तो क्या है अब हमारे पास, प्लाज्मा जो है वो खुद तो कलरलेस है, प्लाज्मा के अंदर कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस लिक्विड है हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर। और ऑलमोस्ट 70% ब्लड के अंदर हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। अब क्या बोला, विच कंसिस्ट, अब इसके अंदर भी कुछ होगा जो भाई पूरे के पूरे ब्लड में ये है, तो बोला इसके अंदर बेसिकली होता है वाटर, प्रोटीन्स, बेसिकली वाटर होता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी इसके अंदर होता है, वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फूड हो गया हमारे पास, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, अभी हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल एंजाइम, ठीक है, जैसे जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उनकी हेल्प करवाने के लिए हमारे पास कौन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। फिर आता है वेस्ट प्रोडक्ट, सोल्ट्स, ये सब हमारे पास किसके अंदर होते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर। पहली बात आई भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सॉरी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड है जिसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है हमें, वाटर, प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन, सोल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब हमें किसके अंदर मिलता है, हमारे प्लाज्मा। प्लाज्मा खुद एक क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। हमारा ब्लड जो है वो हर एक पार्ट में होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट आप कहीं से भी उतार लो, देख लो, चाकू से काट के देख लो, हर जगह से ब्लड तो आएगा ही आएगा, और ब्लड जो है वो लिक्विड इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा होता है। अब अगला नाम आता है हमारे पास आरबीसी, आरबीसी का नाम होता है रेड ब्लड सेल। ये सेल जो है वो ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, दे डोंट हैव न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, किसके अंदर, आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता है इस रीजन से हम क्या कहते हैं, ये बेचारे 2 से 3 महीना ही जिंदा रहते हैं उसके बाद मर जाते हैं, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है सेल के अंदर, सारा काम बेसिकली कर ही न्यूक्लियस रहा होता है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो ये बेचारे 2-3 महीने तक जिंदा रहते हैं आरबीसी, फिर मरते रहते हैं। तो मतलब ये मान के चलिए आपके एक डे में ऑलमोस्ट 3-4 मिलियन आरबीसीज मर जाते हैं, तो फिर हमारा ब्लड रेड कलर का कैसे है भाई, आरबीसी की वजह से ही तो ब्लड रेड कलर का है। वो इसलिए है कि अगर 3 मिलियन हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एक डे में मेरे जो आरबीसी है वो 3 मिलियन मर गए, ठीक है, मर गए क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियाई नहीं था, तो मर गए वो, बट इसी के 4 टाइप पैदा हो गए अपने आप, बिना कुछ करे अपने आप आपकी बॉडी में बहुत सारे आरबीसी अपने आप ही प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। 3 मिलियन अगर मर गए तो 4 टाइम्स अपने आप से बन जाएंगे, ठीक बात। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी को नीड है तो ब्लड दे दो, ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहते ना कि ब्लड मत दो वरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ब्लड दोगे उसी टाइम ही आपके पास अपने आप वापस बन जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आरबीसी हमारे पास क्या होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल है, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, इसीलिए इनका लाइफ स्पेन, इसको क्या बोल देते हैं, लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम होता है। इनकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो रेड कलर के होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का हो जाता है, प्यार करन खून का रंग लाल का, ये सारी बातें कहां से आई है, ये आई है आरबीसी की वजह से, क्योंकि आरबीसी रेड कलर का है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, याद रखना है, प्यार के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, रेड ब्लड, आर रेड कलर का होता है, मतलब रेड ब्लड सेल होता है। अब ये
रेड ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। क्या करती है ये रेड ब्लड सेल, इनके फंक्शन क्या है? आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, और इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती है और इधर से उधर देकर आती है। ये क्या करती है, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मिलती है हमें रेस्पिरेशन की वजह से, ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग्स और दे आती सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, आरबीसी क्या करती है, ये आरबीसी आई, ऑक्सीजन ली उसने लंग्स में से और जाकर दे आई किसको, बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, आरबीसी ने कहा लंग्स मुझे ऑक्सीजन दो, मैं सब बॉडी पार्ट्स में देकर आऊंगी। अब जब सब बॉडी पार्ट्स में गई, उनको ऑक्सीजन दिया, उनको कहा वापिस भी दो तुम कुछ लोग, तो उन सबके पास क्या था, बॉडी पार्ट्स के पास CO2, सारे बॉडी पार्ट्स के पास क्या था, CO2। उसने क्या किया, बॉडी पार्ट से CO2 ले लिया और किसको दे दिया, हमारे लंग्स को दे दिया। ठीक है, उससे O2 लाई, उसको बॉडी पार्ट्स को दे दिया, फिर बॉडी पार्ट से CO2 लाई और लंग्स को दे दिया। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मेन जो काम है वो किसने कर दिया, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी गैसेस का, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड वाटर ये सब तो प्लाज्मा कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन का काम, बट आरबीसी केस को कर रही है रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2। उसके बाद आता है हमारे पास अगला नाम WBC। WBC का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। इनके अंदर न्यूक्लियाई होता है तो इसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है, ये नहीं मरती है इतनी जल्दी, बट व्हाइट ब्लड सेल जो है खुद नहीं मरती है, डटी रहती है। जैसे हमारे सोल्जर्स, आपने देखे इंडिया के बॉर्डर पे खड़े हैं सोल्जर्स, क्या करके खुद लड़ लेंगे, खुद कर लेंगे जो करेंगे, सबको क्या करते हैं वो मार डालते हैं। तो WBC भी क्या होते हैं, हमारे हमारी बॉडी के या हमारे सेल के सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, तो सोल्जर्स जब इनके नाम ही दे दिया हमें, तो ये क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सब से फाइट करते हैं और फाइट करके उन सबको मार देते हैं। जैसे पबजी में मारते हो ना आप लोग, वैसे ही हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कौन होते हैं, WBC होते हैं, जो क्या करते हैं, इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं और किल कर देते हैं सारे के सारे बैक्टीरियाज को। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड किल द बैक्टीरियाज, सारे बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। ठीक बात, ये बात किसकी थी, हमारी WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। साथ ही साथ जब इसको सबको मार देगी तो ये क्या कर देगी, इम्यून सिस्टम बढ़ देते हैं, बूस्टर मिल गया कहते हो ना, तो मतलब ये बूस्टर प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है भाई, जिसका स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा उसको क्या बोल देते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू द बॉडी। फिर बात आती है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ये जो है जैसे आरबीसी हमारे पास सर्कुलर शेप में थे, WBC की शेप होती है स्फेरिकल, याद रखना है। WBC स्फेरिकल हो सकते हैं, इररेगुलर शेप के हो सकते हैं, बट आरबीसी हमेशा किस शेप के होते हैं, सर्कुलर। आरबीसी सर्कुलर होते हैं, WBC इररेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। अगला नाम आता है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो है नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, किसी को डेंगू हो जाता तो कहते हैं उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, और प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से कम हो जाते हैं तो बंदे को जो है जीना मुश्किल हो जाता है, और 10,000 से कम हुए तो बंदा समझ लो टपकने की बिल्कुल लास्ट जो कहते हैं ना लास्ट स्टेज उस पे आ जाता है। तो हमें हमारे प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। प्लेटलेट्स है क्या, टाइनी फ्रेगमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे पास, जिसके पास खुद के पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, पर ये करते क्या है, ये ब्लड को कोएगुलेट कर देते हैं। ठीक है, टाइनी फ्रेगमेंट से जो मेन काम क्या करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब क्या हुआ, हमारा जो खून है, ठीक है, वो क्या होता है कई बार, जैसे मैंने मान लो किसी ने कट मार लिया, मैंने नहीं मारा भाई, किसी ने कट मार लिया, खून गिरेगा। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो वहां पे ऐसे रेड रेड कलर की लाइन बन जाती है, जो एक दूसरे को दिखाते हैं, देख मैंने उसके लिए हाथ काटा था। तो वो जो हाथ काटते हैं लोग, तो वो जो दिखा रहे हैं वो क्या होती है, क्लॉटिंग। वो क्लॉटिंग किस वजह से होती है, ड्यू टू प्लेटलेट्स।
अगर किसी के पास प्लेटलेट नहीं है, मान लो किसी को डायबिटीज है, शुगर है, उसके पास प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, तो आपका अगर खून आ रहा है 2 मिनट कट मारने के बाद, जो हमारे कौन होंगे जिनको डायबिटीज है उनको आएगा 5 से 10 मिनट तक वो खून आता रहता है, मतलब उनके अंदर प्लेटलेट कम है तो वो जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं होता, मतलब इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो जैसे ही मेन काम प्लेटलेट्स का क्या होगा, कोएगुलेट कर देना, यहाँ पे हार्ड सी एक लेयर बना देना, जिसकी वजह से आपका ब्लड अब अंदर ही रहेगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा क्योंकि स्किन तो आपने काट ली है ना। तो अभी क्या रह गया, ब्लड हमारे पास। अब बात आती है ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, तो वही जो हमारे इनके पार्ट्स के फंक्शन थे, लाइक ट्रांसपोर्ट करना O2 और CO2। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारा ब्लड करता है ना। बैक्टीरियाज को कौन किल करता है, हमारा ब्लड करता है। इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, हमारा ब्लड बनाता है। तो ये सारे के सारे जो भी काम हमारे पास उन लोगों ने किया, हमारे पार्ट्स ने, वही पार्ट हमारे पास किसने कर दिया, हमारे ब्लड ने कर दिए। तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है और ब्लड के पार्ट्स क्या होते हैं, जरूर आता है पेपर में, तो इसको मार्क कर लेना स्टार, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।